स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफा, और आप सारे भाई जानते हैं मैं सियालकोटियों का दीवाना हूँ, सियालकोटी ब्रीड। और जो भाई मेरे 7 साल से वीडियो देख रहे हैं वो ये भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब मैं अकेले पिंजरे में वीडियो बनाता हूँ कबूतर छोड़ के, तो उसके मायने कुछ और होते हैं। इससे पहले हमने शेर बनाया, फिर हमने बबर शेर बनाया, फिर हमने शेर बनाया, और इस दफ़ा हमने शेरों का बाप बनाया। ये शेरों का बाप है भाईजान, और इसके साथ और कुछ नहीं, सिर्फ एक बात बोलूँगा, उस्ताद और उस्ताद के मायने, ये समझ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ए नहीं सीखेंगे लिखना, आप बी सी का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक चीज़ होती है, बुराई कोई नहीं होती, जाहिल आदमी भी अच्छा होता है और पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। उस्ताद, उस्ताद का सबसे पहले जो लिंक जाके जुड़ता है ना, अल्लाह के जितने भी नबी आए वो सब उस्ताद बन के आए, समझ गए? अब ये तो हो गई मुसलमान वाली बात, आए दूसरी, रुतबा बाप की जगह सेकंड, ठीक है? रज़ा अल्लाह की रज़ा, अल्लाह क्या कहता है, बाप की रज़ा में मेरी रज़ा, मायने समझ रहे हैं आप? आगे चलें, अगला स्टेप, जब कोई उस्ताद ये कहता है छोटी तीली, चौड़ी तीली, बड़ी तीली, छोटे जोड़, तंग जोड़, हड्डी इतनी, पर इतना, पहला पर इतना, दूसरा पर इतना, आँख इतनी, चोंच इतनी, रिंग इतना, आँख का सूआ इतना, शक्ल ऐसी, कुंदे ऐसे, खलोनी ऐसी, चोंच ऐसी, पंजे ऐसे, पर ऐसे, तो एक चीज़ आप समझ लें कि उसने कुछ ना कुछ तालीम हासिल की होती है और कहीं से सीखा होता है, सही है? अब उसका पता कैसे चलेगा? मुझे कितने भाइयों का रिंग आया कि फराज भाई कहीं हम ट्रक के बत्ती के भी छत नहीं लगे हुए, कि हमें 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ज़ाया करने के बाद पता चला कि यार जिस उस्ताद के पीछे हम लगे थे उस बेचारे को तो खुद कुछ नहीं पता था, वो नेट से पढ़ पढ़ के और देख देख के सीखा था उसने कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। इसकी वजह में आज आपको एक आसान निशानी बता दूँ, दो चीज़ें हैं चेक करने के लिए कि आप ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगे हुए कहीं। नंबर वन, आया कि आपका उस्ताद आपको कहता है कि नुस्खा दो तो कबूतर उड़ेगा, छोटी सी बात, लंबी बात नहीं है, वो कहता है या नहीं कहता कि ये पानी पिलाओ, ये गोली खिलाओ, ये कुश्ता खिलाओ तो कबूतर उड़ेगा, वरना कबूतर नहीं उड़ेगा। और नंबर टू, भजन सीधी सी बात है, अगर इतना कुछ पता है तो एक जोड़ा क्यों नहीं बनाते जो सूफी बच्चे उड़ाए, इतनी सी बात है भजन, लग रहे ट्रक की बत्ती के पीछे ज़िंदगी भर, अरबों रुपए ज़ाया करते रहें, करोड़ों रुपए ज़ाया करते रहें, नेट पे अगर 10,000 वीडियो नुस्खों का पड़ा है तो नीचे कमेंट्स पढ़ें, उसके व्यूज़ देखें, आखिर लोग मोहताज हैं ना नुस्खों के। इसका मतलब ये कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा उस्ताद ढूंढें जिसे जोड़ा बनाना आता हो, और मेरे ऐसे निकम्मे से अच्छा ये है कि आप उसको पैसे दें, उसको कहें ये ले भैया उस्ताद जी पैसे पकड़ो, जोड़ हड्डी पर सब कुछ आप देखो, हमें तो सिर्फ एक ऐसा जोड़ा बना दो जो सूफी बच्चे उड़ाए, दाना पानी खाए, बादाम खाना कोई बुरी बात नहीं है, देसी घी खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम नुस्खा नहीं लगाएंगे, इंग्लिश मेडिसिन नहीं देंगे। फिर मर रहे हैं ना भजन कोरोना में अपने बच्चे, अपना बाप मर रहा है ना, अपनी बीवी मर रही है ना, अपनी माँ मर रही है ना, जहाज़ क्रैश हो रहा है। अब आप सारे देख रहे हैं यार जहाज़ क्रैश हो गया, हकीकत में भजन बड़ी दुख वाली खबर है, सब कुछ है, लेकिन आपने एक बात नोट की, 70,000 रुपये का एक टिकट लेके सिर्फ बच्चे की रोज़ा खुशाई हो रही है, और न्यूज़ में आता है जी मर गए मर गए मर गए, पाकिस्तान में तो खाने को नहीं है। तीन मुल्कों से मियां बीवी और बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ ईद मनाने के लिए, 3 लाख के टिकट खरीद के। ज़रा चेक करें भजन, किस मुल्क में खाने को नहीं है? एक एक अरब की एक एक दिन में शॉपिंग हो रही है कपड़ों की, लाशों के ढेर बिछड़े हैं। ये है भजन हकीकत जो चुपती है, जो लोग कहते हैं ना कि फराज भाई आपकी बात ना ठा करके चीरती भी चली जाती है, वो इसलिए चीरती भी जाती है। ज़रब दें भजन, 80 ज़रब 70,000, ये गरीब मुल्क है, यहाँ कहत पड़ा हुआ है, यहाँ आटा नहीं है, यहाँ रोटी नहीं है, क्या करने जा रहे थे? कोई ऑपरेशन था किसी का? क्या क्या करने क्या जा रहे थे भाईजान, करने क्या जा रहे थे? कोई यूके से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, जी ईद मनाएंगे,
अल्लाह के नबी ने फरमाया जहाँ हो वहाँ रुक जाओ, जहाँ बीमारी है या जहाँ बीमारी नहीं है रुक जाओ वहाँ पे। ना माने अल्लाह के नबी का फरमान, ना माने फिर ऐसी अजाब आएगा। इसलिए जो जो बंदे ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं वो सोचें इस वीडियो को देखने के बाद कि आया कि उनके बटुए में पैसा है, उस्ताद जी ये लो 10,000, ये लो 5,000, ये लो 25,000, ये लो 30,000, उस्ताद जी ये दो जोड़े हम बच्चे उड़ाएंगे और सूफी उड़ाएंगे और बस ख़त्म, और अगर ये बच्चे ना उड़े तो फिर गई हड्डी और हई जोड़ और पट और क्या टोपी और क्या आँखें और क्या पलके और तीन उंगलियाँ चार उंगलियाँ और सर का ताज और खिलौनी और जोड़ और हड्डी और उस्ताद जी आंखों का रिंग चेक करो, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग, क्या बात है बाबा क्या बात है। हो जाएगी बल्ले बल्ले, सड़ने वाले सड़े और मरने वाले मरे, लेकिन कब्र में सब ने अपनी जान है, कब्र का सोचें भजन, वरना ये कोरोना आपको ऐसा लपेट के मारेगा ना कि सारे दवाइयों के नुस्खे आपको याद आ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा।